ओम शांति। आज का ईश्वरीय वरदान 15 मई का ईश्वरीय वरदान, जहाँ पे हम पता करेंगे कि परमपिता परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, किस प्रकार की सेवा करना चाहते हैं और हम किस प्रकार की सेवा करें, और हम जो कोई भी हमें ज्ञान के खजाने, सुख शांति के, प्रेम के खजाने जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल करें, पहले अपने लिए और फिर औरों को भी उन अनुभवों के द्वारा उनको महसूस कराएं। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भवा। खजाने कौन कौन से हैं? ये जो समय हम स्पेंड कर रहे हैं भी खजाना है, ये सांसें जो ले रहे हैं ये भी एक खजाना है, व्यर्थ ना जाए। परमात्मा के जो ज्ञान है, जो आप वरदान सुन रहे हैं, ये भी एक खजाना है, ज्ञान का खजाना, जो कि माइंड को, बुद्धि को एकाग्र कर दे। ऐसा ज्ञान जो कि मन बुद्धि को एकाग्र कर दे, कोई भी सिचुएशन आ जाए, नथिंग न्यू, इसको मैंने पार किया, अनगिनत बारी पार किया। आपको ड्रामा का ज्ञान हो, आपको ये पता हो कि आप पूर्व जन्मों में आप क्या थे, आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ताकि बुरे का फल जो आने वाला है भविष्य में, आप उसके लिए पहले ही तैयार रहें। आप, हाँ ये मेरे साथ क्या हो गया, अरे मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे, मैंने क्या गड़बड़ करी, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा, ये क्वेश्चंस जो आपको डिप्रेशन में ले आते हैं या नेगेटिविटी में ले आते हैं और आप बिल्कुल अपनी ऊर्जा को ख़त्म करते थे सोच सोच के, वो ना हो आपके साथ। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं, सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणी बाबा। विश्व कल्याण की निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होती। तो सर्व खजानों से संपन्न कैसे होगी? जब हमें ये पता हो, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति को भूल जाए कि उसके अलमीरा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि 10 साल पहले उसने निकाला था गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर के, वो भूल जाए और फिर वो काम जब लगे वो डॉक्यूमेंट, उस समय उसको याद ना आए और वो ढूंढना शुरू कर दे, नहीं पता उसने कहाँ रखा, फिर वो डिपार्टमेंट के चक्कर लगाए 5-6 बारी वही डॉक्यूमेंट को फिर से निकलवाने के लिए, और बार बार जाए, बार बार निराश होकर आ जाए और उसको ये याद ही ना हो कि अरे उसने तो ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट का काम कर लिया था उसने, लेकिन 10 साल पहले किया था, उसको स्मृति नहीं है। तो उसका समय वेस्ट होगा, उसकी ऊर्जा वेस्ट होगी, उसकी श्वासें वेस्ट होंगी, उसके संकल्प वेस्ट होंगे, उसका समय कितना जाएगा आप सोचिए। इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं कि जब तुम भूल जाते हो कि इस समय मुझे एकाग्रता की शक्ति यूज़ करनी थी, इस समय मुझे सहन करना था, बोलना नहीं था, इस समय मुझे अपना आइडिया दे करके फिर बच्चे जैसे होकर के चुप हो जाना चाहिए था, मुझे एंथुजियाज्म से काम करना चाहिए, मुझे बहुत ही विल पावर को अपनी स्ट्रांग रखना चाहिए था इस सिचुएशन में, और उसको रखें कैसे, वो अगर ज्ञान हमारे अंदर आ जाए तो हम उसको अपने मन बुद्धि को स्टेबलाइज कर लें, लेकिन उस समय मुझे प्यार से बात करनी चाहिए थी, मुझे टॉन्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि टॉन्ट जैसे किया मैं और कोई नजर में गिर गया, और मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाद में जाके याद आए तो मैंने उस ज्ञान को यूज़ नहीं किया, उस टूल को यूज़ नहीं किया, परमात्मा ने दिए हुए उस ज्ञान को इस्तेमाल नहीं किया, जिससे कि मैं उस सिचुएशन में सही डिसीजन लेकर के, निर्णय लेकर के सही कर्म कर पाता। तो क्या होता है फिर उस समय? उस समय हमें रिग्रेट होता है, पश्चाताप करते हैं हम। फिर परमात्मा कहते हैं, अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी, आपको, आपने सारे ज्ञान लिया हुआ, आपने विवेक लिया हुआ है, लेकिन समय पर कार्य में नहीं लगा सकते, समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे, अरे ऐसे काश ना बोला था, ऐसे काश मैंने निर्णय ले लिया होता। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा, जो विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा होते हैं, उनको पता होता है कि ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करें ताकि मेरा मन बिल्कुल एकाग्र रहे, मेरे मन में कोई दुविधा ना आए, मेरे मन में अशांति ना आए, मेरा मन विचलित ना हो। तो ब्रह्म कुमारी इसका वो जो ज्ञान है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, उसको हम इस्तेमाल करके अपने मन बुद्धि को और अपने संस्कारों को, चिंता करने के संस्कार, अहंकार में आने के संस्कार, इन चीज़ों को अगर हम जीत लें तो परमात्मा कहते हैं आप विश्व का भी कल्याण कर सकते हैं इस ज्ञान के द्वारा। लेकिन पहले अपना कल्याण करो, फिर अनुभव करो
कि आपने इस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल किया आपने अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, तब जा करके आप किसी और को उसकी सेवा कर पाओगे, आप विश्व का कल्याण कर पाओगे, वो भी आपके सोच से, आपके बोल से और आपके कर्मों से। ये करते कैसे हैं, पहले अपने आप को तो पहले सुधारें, अपने अपना जीवन तो पहले अच्छा करें, करते कैसे हैं उसके लिए आपको ब्रह्मा कुमारीज का 7 डे कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। आज का ये ईश्वरीय वरदान, इसके साथ ओम शांति।